I haven't hit it already, still working. I'm still learning, I'm still searching. Finally learning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch, that's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. They watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my life. Wish I could slow down time. Music. हेलो गाइस, तो कैसे हो भाई सब लोग? आज सब लोग पूछ रहे कि भाई अपना सेंसिटिविटी दिखाओ, तो मैंने ला लिया अपना सेंसिटिविटी है, यह है मेरा सेंसिटिविटी। सो गाइस, और पहले वीडियो को लाइक करना, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करना। चलो आज मैं ट्यूटोरियल देता हूँ आज गैरो कैसे सीखना है। तो आ जाते हैं अपना मेन पॉइंट पे। पहले भाई आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा शूटिंग बटन को छोड़ के अपने फ़ोन से, मतलब गैरो से एक जगह खड़े हो और फ़ोन से एम करना पड़ेगा। मतलब गायरो से एम करो, एक जगह बैठो पहले, एक एम करो पहले, प्रैक्टिस मोड में जाओ, एम करो ऐसी। उसके बाद आपको करना है थोड़ा एक 30 मिनट तक करो रोज़, पहले इससे एक जगह खड़े हो के एम करना। उसके बाद आपको मूवमेंट देते हुए करना होगा, मूवमेंट आप हैंड कैम में देख सकते हो, पहले मूवमेंट देते हुए करो। इससे भाई आपको एम अच्छा हो जाती है। और उसके बाद सेम स्कोप खोल के, मतलब एडीएस दे के करो, मतलब फ़ोन को हिलाना पड़ेगा आपको, हाथ से कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, रिकॉइल नहीं कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, मैं सब बता दूंगा इस वीडियो में। पहले भाई इसको 30 मिनट तक जो भी एडीएस है, एक जगह खड़े होके और मूवमेंट के साथ जो भी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिल्कुल तगड़ा वाली। ट्रेनिंग ऐसे खाली पड़ती है आजकल, तो भाई प्रैक्टिस कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। चलो इसके बाद भाई एकदम, मतलब एक जगह खड़े होकर इतना प्रैक्टिस करो भाई एम। इसके बाद आप एक टीडीएम भी खेल लो, एक जगह खड़े होकर भाई मूवमेंट के साथ सब कुछ करो टीडीएम में। और इसके बाद आप रिकॉइल कंट्रोल करना सीखेंगे। चलो पहले आपने स्कोप 3x कर लिया मैंने, और उसके बाद फ़ोन को अपनी तरफ नहीं दूसरी तरफ बेंड करना पड़ेगा। एक बार वीडियो अगर हैंड कैम में देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, फ़ोन को उधर की तरफ टिल्ट कर रहा हूँ, इससे भाई रिकॉइल अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। आपको दिख रहा है M4 पे कुछ ग्रिप ही नहीं है, समझ रहे हो, कुछ ग्रिप ही नहीं है भाई। विदाउट ग्रिप आप इतना आसान से कंट्रोल कर सकते हो, विदाउट ग्रिप ही प्रैक्टिस करना। आपको इतना देख सकते हैं, इतना एक्यूरेट है। अभी एक एम के 6x लगा के देखते हैं अगर रिकॉइल कंट्रोल होता है कि नहीं। थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, अभी विदाउट स्कोप 6x लगाओ। चलो मेरा तो कंट्रोल हो जाता है भाई, अगर बंदा हो सामने तो एम असिस्ट भी थोड़ा काम करता है, तो इससे भाई थोड़ा और भी मतलब एक्यूरेट हो जाएगा मेरा। मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ हमेशा भाई, फोन हैंड कैम में देखो मैं कैसे टिल्ट कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। और दूर जाके अब एडीएस को इधर उधर करके प्रैक्टिस करो, मतलब एकदम मैं दिखा दूंगा एक सेकंड, एकदम इधर 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 ऐसे प्रैक्टिस करो भाई, इतने में बहुत एम परफेक्ट हो जाएगी, मेरी गारंटी है। चलो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।